बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ऑटो कमांड, डिलीट कमांड, क्लियर कमांड और एडिट कमांड की जो है वो वर्किंग देखी थी कि वो जो है वो किस तरह से काम करती हैं और किस लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं। आज जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है वो हमारे पास कुछ और कमांड्स हैं, उनको देखेंगे कि उनका जो है वो क्या वर्किंग है, वो किस लिए जो है वो यूज होती हैं और उनको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो कमांड है वो है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फाइल कमांड इन बेसिक। ये बेसिक के अंदर जो है वो फाइल कमांड जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है और जो है वो उसकी वर्किंग क्या है, वो किस तरह से जो है वो काम करती है। फाइल कमांड आर यूज टू व्यू अ लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑन अ स्पेसिफिक ड्राइव और पाथ। फाइल कमांड जो है वो किस लिए इस्तेमाल होगी, कुछ मखसूस फाइल्स की लिस्ट जो है वो शो करवाने के लिए, आपको देखने के लिए इस्तेमाल होगी। वो जो फाइल्स होंगी वो कहाँ पे पड़ी होंगी, वो आपकी जो है वो ड्राइव के अंदर जो है वो पड़ी होंगी, कोई किसी भी ड्राइव के अंदर पड़ी होंगी, किसी भी जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर किसी भी जगह पे वो जो है वो किसी भी पाथ के ऊपर सेव होंगी। तो उनकी लिस्ट को जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए, देखने के लिए जो है वो आपके पास फाइल कमांड जो है वो इस्तेमाल होती है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स है फाइल्स और पाथ। तो फाइल्स जो है वो आपने वैसे का वैसे ही लिख देना, जो फाइल्स लिखा हुआ है ये वैसे का वैसे ही लिख देना। अब पाथ से क्या मुराद है, पाथ से मुराद है कि आपने जो फाइलों की लिस्ट डिस्प्ले करनी है, देखनी है, उनका उनका एड्रेस क्या है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर किस जगह पे सेव है, कौन सी ड्राइव के अंदर जो है वो सेव है। तो आपने पाथ की जगह पे क्या करना है, अपनी फाइल का एक तो नाम लिखना है जो फाइल आपने डिस्प्ले करनी है, और साथ उसका क्या लिखना है, उसका मुकम्मल एड्रेस लिखना है, उसका मुकम्मल जो है वो पाथ लिखना है कि वो किस जगह पे सेव है, किस ड्राइव के अंदर, उस ड्राइव के कौन से फोल्डर के अंदर जो है वो सेव है। अगर आप जो है वो पाथ नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम लिख देंगे, तो फिर आपके पास जो करंट डायरेक्टरी ओपन होगी, करंट जो डायरेक्टरी ओपन होगी उसके अंदर जो भी फाइल पड़ी होगी वो आपको जो है वो शो हो जाएगी। इसको जो है हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास फाइल्स, डबल कोटेशन स्टार्ट की और टी कॉलन बैक स्लैश और जो है डबल कोटेशन बंद कर दी, ठीक हो गया। ये जो है वो बैक स्लैश का सिंबल है। तो इससे क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम लोग जो है वो एक ऐसी फाइल जो है वो ओपन कर रहे हैं या ऐसी फाइलों को ओपन कर रहे हैं जो कहाँ पे पड़ी है, डी ड्राइव के अंदर, आपके कंप्यूटर के डी ड्राइव के अंदर जो फाइलें पड़ी हैं वो जो है वो ओपन हो जाएंगी। दूसरी एग्जाम्पल फाइल्स और उसके बाद लिखा हुआ है डबल कोटेशन स्टार्ट सी कॉलन बैक स्लैश टेस्ट बैक स्लैश बंद और डबल कोटेशन को बंद कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर की सी ड्राइव के टेस्ट फोल्डर के अंदर, सी ड्राइव है उसका एक सब फोल्डर आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर टेस्ट और उस टेस्ट के अंदर जो है वो फाइलें पड़ी हैं जिनको आप देखना चाहते हैं। तो वो जो फाइलें, जितनी भी फाइलें होंगी उनकी जो भी लिस्ट होगी फाइलों की, वो जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। सी ड्राइव के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर जो भी फाइलें होंगी उनकी लिस्ट जो है वो सामने शो हो जाएगी। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है फाइल्स लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ फाइल्स लिखा, इसके साथ जो है वो हमने कोई भी पाथ नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब होगा, जो भी आपके पास करंट डायरेक्टरी ओपन होगी उसके अंदर जो भी फाइलें पड़ी होंगी वो सारी की सारी फाइलों की लिस्ट जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। जो भी डायरेक्टरी है ओपन आपके पास, करंट डायरेक्टरी जो है उसके अंदर जो भी फाइलें पड़ी होंगी वो जो है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ वाइल्ड कार्ड, के वाइल्ड कार्ड जो है वो आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो वाइल्ड कार्ड होते हैं वो क्या है, वाइल्ड कार्ड आर स्पेशल सिंबल यूज्ड विद फाइल कमांड्स। वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, मखसूस जो है वो आपके पास सिंबल होते हैं, स्पेशल जो है वो आपके पास अलामत होती है, जो क्या होती है फाइल की जो कमांड होती है उसके साथ जो है वो इस्तेमाल होती है। अब उसके साथ आपने इनको जो है वो इस्तेमाल क्यों करना होता है, इसलिए आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि आप जो है वो अपने किसी भी फोल्डर के अंदर या किसी भी ड्राइव के अंदर ऐसी फाइलों को देखना चाहते हैं जिन जो जो है वो एक तरह की हो, सिमिलर फाइल्स हो या उनके नेम जो है वो सिमिलर हो, तो फिर भी आप जो है वो वाइल्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं फाइल्स कमांड के साथ। और ऐसा भी होता है कि आपको जो है वो कुछ फाइल जो है वो उनका नाम जो है वो ठीक से याद नहीं, आपको जो है वो उसके कोई एक दो करेक्टर याद है कि ये है, सारा नाम जो है वो आपको याद नहीं है, तो फिर भी जो है वो आप फाइल कमांड के साथ जो है वो वाइल्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको जो है वो नाम भी भूल जाए, फिर आप जो है वो उसके जो आपको करेक्टर एक दो याद होते हैं वो लिख देते हैं और उससे जो है वो आप फाइलों को सर्च जो है वो कर सकते हैं।
हमारे पास वाइल्ड कार्ड जो है वो उसकी जो है वो दो टाइप्स जो है वो होती है। तो एक टाइप है हमारे पास उसके अंदर स्टार, इसको जो है वो हम लोग एस्टेरिस्क भी बोलते हैं, ASTERISK एस्टेरिस्क भी बोलते हैं इसको, या स्टार भी आप कह सकते हैं। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इट इंडिकेट एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर्स, कि आपको जो है वो ये नहीं पता कि उस फाइल के अंदर जो है वो कितने कैरेक्टर, उसका जो नाम है वो कितने कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है। अगर आपको जो है जो आप फाइल सर्च करना चाहते हैं आपको ये नहीं पता कि उसका नाम जो है वो कितने कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो फिर जो है वो आप एस्टेरिस्क यूज करेंगे। और दूसरी हमारे पास क्या होता है, दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज होता है। तो ये किस चीज की निशानदेही करता है, किस लिए यूज होता है, इट इंडिकेट सिंगल अननोन कैरेक्टर, ये जो है वो आपका एक जो कैरेक्टर होगा एक कैरेक्टर को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए जो है वो आप क्वेश्चन मार्क का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जो है वो आगे इसकी जो है एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको जो है वो मजीद समझ आ जाएगी। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास फाइल्स डबल कोटेशन स्टार्ट सी कॉलन बैक स्लैश एस्टेरिस्क डॉट टेक्स्ट, और जो है वो डबल कोटेशन को बंद कर दिया। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सी ड्राइव है हमारे पास, सी ड्राइव के अंदर आपने ऐसी जो है वो फाइलें तलाश करनी है, ऐसी फाइलों की लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी जिनकी एक्सटेंशन क्या होगी, टेक्स्ट होगी, TXT एक्सटेंशन जो है वो TXT टेक्स्ट होगी, उसकी एक्सटेंशन टेक्स्ट होगी। और ये जो है वो हमने पहले स्टार जो है वो एस्टेरिक्स या स्टार जो है वो पहले यूज किया, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि हमने ये नहीं देखना कि उसका नाम जो है वो कितने जो है वो करेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है, चाहे कोई फाइल तीन करेक्टर के नाम की है चाहे कोई पांच करेक्टर के नाम की है, वो सारी की सारी फाइलें की लिस्ट जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी जिनकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट टेक्स्ट होगी, वो सारी की सारी फाइलें जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फाइल्स डबल कोटेशन स्टार्ट सी कॉलन बैक स्लैश एम स्टेरिक डॉट स्टेरिक, और जो है वो डबल कोटेशन को बंद कर दिया। तो अब ये क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि अब जो है वो हमने स्टार के सिंबल से पहले जो है वो एम डाल दिया, स्टार के सिंबल से पहले जो है वो हमने एम जो है वो लिख दिया। तो ये क्या करेगी, ये जो है वो आपकी सी ड्राइव के अंदर ऐसी तमाम फाइलों की जो लिस्ट है उसको शो कर देगी जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, जिनका नाम जो है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, उसकी एक्सटेंशन जो है जो मर्जी एक्सटेंशन हो, ये नहीं वो होगी कि उसकी एक्सटेंशन जो है वो टैक्सी होगी या जो है वो डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन होगी डॉक होगी या वीडियो एक्सटेंशन होगी JPG एक्सटेंशन होगी, जो मर्जी एक्सटेंशन हो, जितनी भी फाइलें जो है वो उनका करेक्टर जो पहला करेक्टर है वो एम से नेम जो है वो उनका स्टार्ट हो रहा है, वो सारी की सारी फाइलों की जो लिस्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फाइल्स डबल कोटेशन स्टार्ट सी कॉलन बैक स्लैश, जो है वो हमने तीन जो है वो क्वेश्चन मार्क यूज किए और डॉट डॉक लिख दिया, और उसके बाद जो है वो डबल कोटेशन को बंद कर दिया। अब डॉट डॉक से क्या मना था कि ऐसी फाइलें जिनकी एक्सटेंशन क्या होगी डॉक्यूमेंट होगी, वो सारी की सारी फाइलें आपको शो होंगी जिनकी एक्सटेंशन क्या होगी डॉक्यूमेंट होगी डॉक होगी, लेकिन कौन सी होगी, वो जिनका नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ तीन करेक्टर के ऊपर मुश्तमिल होगा, क्योंकि हमने तीन क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क का मतलब है सिंगल करेक्टर एक करेक्टर, तो सिर्फ और सिर्फ आपको वो ही फाइलें शो होंगी जिनकी एक्सटेंशन डॉक होगी और उनका नेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ तीन करेक्टर के ऊपर मुश्तमिल होगा। ऐसी तमाम फाइलें जिनकी एक्सटेंशन तो डॉक होगी लेकिन उनका नाम जो है वो या तो जो है वो दो करेक्टर के ऊपर मुश्तमिल होगा या जो है वो तीन से ज्यादा चार पांच छह करेक्टर के ऊपर मुश्तमिल होगा, वो आपको शो नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ तीन करेक्टर वाली फाइलें और एक्सटेंशन जिनकी डॉक होगी वो जो है वो आपको शो हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग ऑफ किल कमांड, के किल कमांड जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है। किल कमांड आर यूज टू डिलीट अ सेव फाइल फ्रॉम द डिस्क, के किल कमांड जो है वो डिस्क में से जो है वो आपके पास जो सेव फाइलें होती हैं, जो जिन फाइलों को आपने सेव किया हुआ होता है उनको जो है वो डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो फाइलें जो है वो आपकी डिस्क के ऊपर हार्ड डिस्क के ऊपर जिनको आपने सेव किया है उनको जो है वो डिलीट करने के लिए, परमानेंटली डिलीट करने के लिए जो है वो किल की कमांड इस्तेमाल होती है। इसका सिंटैक्स देखते हैं, इसका सिंटैक्स है हमारे पास किल और फाइल नेम। अब किल जो है वो आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है कैपिटल लेटर्स के अंदर, और फाइल नेम से क्या मुराद होगा, फाइल नेम से मुराद एक तो वही होगा कि आपने उस फाइल का कंप्लीट नाम लिखना है कि क्या नाम, और दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने उसका
पाथ लिखना है। उसका पाथ का मतलब क्या है कि उसका एड्रेस लिखना है कि वो आपके कंप्यूटर के अंदर किस जगह पे जो है वो सेव है, कि वो आपके कंप्यूटर के अंदर किस जगह पे सेव है, साथ आपने वो एड्रेस भी लिखना है। अगर जो है वो आप एड्रेस जो है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप उस फाइल का नाम ही लिख देंगे, तो आपकी करंट डायरेक्टरी जो ओपन है उसके अंदर जो भी फाइलें होंगी वो जो है वो डिलीट हो जाएंगी, अगर आपने उसको पाथ, कोई पाथ जो है वो अगर नहीं दिया, ठीक हो गया। और दूसरा क्या होता है कि आपने जो है वो उसको लिखना किस तरह होता है, फाइल नेम को जो है वो आपने डबल कोटेशन के मार्क के अंदर जो है वो लिखना होता है, और साथ उसकी आपने एक्सटेंशन भी जो है वो डालनी होती है। इसको जो है आप हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहली एग्जांपल है किल, वैसे का वैसे आ गया, डबल कोटेशन स्टार्ट टी डॉट डबल कॉलन बैक स्लैश टेस्ट डॉट पेज और डबल कोटेशन जो है वो बंद कर, तो ये क्या करेगी, कौन सी जो है वो फाइल को डिलीट करेगी, आपकी जो है वो डी ड्राइव के अंदर जाएगी, डी ड्राइव जो है वो उसके अंदर जो है वो टेस्ट डॉट पेज नाम की कोई फाइल पड़ी होगी जिसका नाम जो है वो टेस्ट होगा और उसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट पी एस होगी, बेस होगी, तो उसको क्या कर देगी, ये डिलीट कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास किल, डबल कोटेशन स्टार्ट सी कॉलन बैक स्लैश प्रोग्राम बैक स्लैश और जो है वो फाइल का नाम हमने लिख दिया फर्स्ट डॉट बेस और डबल कोटेशन को बंद कर। अब ये क्या फाइल, कौन सी फाइल को डिलीट करेगी, सी ड्राइव के अंदर जाएगी, सी ड्राइव के अंदर जो है वो एक फोल्डर बना होगा जिसका नाम होगा प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के फोल्डर के अंदर जो है वो एक फाइल सेव होगी जिसका नाम होगा फर्स्ट डॉट बेस बी एस जो है वो उसका नाम होगा फर्स्ट डॉट बी एस उसकी एक्सटेंशन जो है वो होगी। तो क्या करेगी, ये सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम्स का फोल्डर उसके अंदर जो फाइल पड़ी होगी फर्स्ट डॉट बेस के नाम की उसको जो है वो डिलीट कर देगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है किल, डबल कोटेशन स्टार्ट काउंट डॉट बेस और डबल कोटेशन बंद। अब जो है वो हमने यहाँ पे पाथ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम लिखा है और उसके साथ एक्सटेंशन लिखी है डॉट बेस, तो ये क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ उस फाइल को जो है वो डिलीट करेगी जो आपकी मतलब के करंट डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल पड़ी होगी उस फाइल को डिलीट करेगी, और उस फाइल का नाम क्या होगा, काउंट जो है वो उसका नाम होगा और उसकी एक्सटेंशन जो है वो बेस होगी। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग ऑफ लिस्ट कमांड, कि लिस्ट कमांड जो है वो किस लिए यूज होती है, वो किस तरह से जो है वो काम करती है। लिस्ट कमांड आर यूज टू डिस्प्ले ऑल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी ऑन द स्क्रीन। लिस्ट कमांड जो होती है ये क्या करती है कि ये आपको मखसूस जो है वो प्रोग्राम की जो मखसूस स्टेटमेंट्स होती हैं उनको या जो है वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को, ठीक हो गया, कोई मखसूस स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं या अपने प्रोग्राम की सारी स्टेटमेंट्स को जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आप लिस्ट कमांड जो है वो यूज करते हैं, या आप जो है वो अपने प्रोग्राम की सारी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं या कोई मखसूस स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आप लिस्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो है वो एक शॉर्टकट की भी होती है, शॉर्टकट की जो है वो इसकी F1 जो है वो शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट जो है वो इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स है लिस्ट वैसे का वैसे आ गया, लाइन नंबर माइनस लाइन नंबर और जो है वो कॉमा और फाइल नेम, ये जो है वो आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है सारे नेम। तो इससे क्या होगा, लिस्ट वैसे का वैसे आ गया, अब लाइन नंबर से क्या मुराद है कि आप जो है वो कौन सी लाइन जो है वो अपने स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लिस्ट और लाइन नंबर लिखा तो वो लाइन जो है वो शो हो जाएगी। अगर आपने लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया लाइन नंबर की जगह पे 10 लिख दिया और जो है वो आगे आपने फाइल का नेम भी लिख दिया, उस फाइल के अंदर या उस प्रोग्राम के अंदर जो लाइन नंबर 10 होगी वो आपको शो हो जाएगी। अगर आपने लिखा लिस्ट, लाइन नंबर की जगह आपने 10 लिख दिया, माइनस वैसे का वैसे डाल दिया और अगला जो लाइन नंबर है उसकी जगह पे आपने लिख दिया 15 और जो है वो आपने कॉमा डाल के जो है वो फाइल का नेम लिख दिया, तो ये क्या करेगा, फिर क्या होगा, फिर जो है वो आपका 10-15 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो भी फाइल का नाम लिखा उस फाइल के अंदर जो भी स्टेटमेंट मतलब 10 से 15 तक जितनी भी स्टेटमेंट है, 10 लाइन नंबर से लेके 15 लाइन नंबर तक जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी की सारी आपको जो है वो शो हो जाएंगी। इसकी जो है वो आप एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास लिस्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो लिस्ट लिख दिया, आगे जो है वो आपने ना कोई लाइन नंबर लिखी ना जो है वो आपका आपने फाइल का नेम, तो ये क्या करेगी, ये जो भी आपकी जो है वो आपका जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर जितनी भी लाइन है मतलब कोई मखसूस लाइन नहीं शो करवाएगी, उस प्रोग्राम की जितनी भी लाइने हैं सारी की सारी जो लाइने होंगी
उनको जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर जो है ये शो करवा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिस्ट और लिख दिया 30-80 लिख दी, तो ये क्या करेगी, ये वाली जो हमने कमांड लिखी है इससे क्या होगा, इससे जो है वो आपके प्रोग्राम की 30 से लेके 80 तक जितनी भी लाइनें आती हैं, लाइन नंबर 30 से 80 तक जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद लिस्ट और -50 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है, बिगिनिंग से आपका प्रोग्राम जहां से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 10 से हो रहा है या 20 से हो रहा है, जिस भी लाइन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है या 5 से हो रहा है या 0 से, जिस भी लाइन से आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके 50 लाइन नंबर तक आपको सारी की सारी लाइनें जो है वो शो हो जाएंगी, और 50 भी शो होगी, और जो 50 के बाद 51 और इससे आगे जितनी भी लाइनें होंगी वो आपको शो नहीं होंगी, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जाहिर नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लिस्ट और 50-, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके प्रोग्राम के अंदर बिगनिंग से 50 तक जो लाइनें हैं वो शो नहीं होंगी, जो 50 तक लाइनें हैं वो शो नहीं होंगी, 50 के बाद मतलब के 51 से लेके आगे जितनी भी लाइनें हैं 51 लाइन भी शो हो जाएगी, 51 लाइन नंबर भी शो हो जाएगी, और उसके बाद जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी जो है वो शो हो जाएंगी, जो 50 से पहले लाइनें हैं वो जो है वो शो नहीं होंगी। तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।